हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीसेट 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ 16 जून को, उसका पेपर सॉल्यूशन है और हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल मैथ्स का आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, एक्स बी ए टू डिजिट नंबर। तो अगर आपको कोई भी टू डिजिट नंबर लेना है तो लेट इट बी टेन ए प्लस बी। अगर आपको कभी भी टू डिजिट का नंबर लेना होता है तो टेन ए प्लस बी ले लेते हैं। आपने एक और नंबर बनाया वाई जो कि इसके डिजिट्स को इंटरचेंज करके आया, मतलब आपने क्या किया इसके डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया, ए की जगह बी, बी की जगह ए। अब आपने क्या किया, इनको एक्स प्लस वाई को ऐड कर दिया। तो जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 11 ए प्लस बी, मतलब 11 ए प्लस 11 बी, तो 11 कॉमन आ जाएगा। ये बोलता है कि एक्स प्लस वाई जो है वो ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर है। तो आप सबको पता है ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर होता है 99, मतलब ये वाली वैल्यू 99 के इक्वल है। तो यहां से a प्लस बी की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो 9 आएगी, कितनी आएगी 9। अब आपसे पूछा क्या है कि x के कितने वैल्यूज पॉसिबल हैं, भाई x के कितने वैल्यूज पॉसिबल हैं आपसे ये पूछा है। तो अगर कोई टू डिजिट का नंबर है तो यहाँ पे मैं a को जीरो नहीं रख सकता, अगर a जीरो हो गया तो ये टू डिजिट का नंबर बचेगा ही, मतलब भाई 10 × 0, मान लो a की वैल्यू मैंने जीरो रख दी तो ये हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा 10 × 0। अभी की वैल्यू मान लो एक आ गई तो हो जाएगा 0 + 1, फिर तो टू डिजिट का नंबर बनेगा ही। तो टू डिजिट का नंबर तभी बनेगा एक्स जब ए की वैल्यू जीरो नहीं होगी, इसके अलावा कुछ भी वैल्यू डालो आपका आंसर आ जाएगा। मतलब क्या है कि अब ए की वैल्यू जीरो के अलावा वन हो सकती है, अगर ये वन है तो एट होगा, ये टू है तो ये सेवन होगा, थ्री है तो सिक्स होगा, और ऐसे करते करते एट है तो वन होगा। तो कितनी वैल्यूज पॉसिबल है एक्स की, तो एक से लेके आठ वैल्यूज, तो इसका मतलब आठ इसका राइट आंसर है जो कि यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। आप देख पाएंगे आठ वैल्यूज इसकी पॉसिबल थी, 8 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करो इतनी बात आपको समझ में आई होगी किस तरह से इस क्वेश्चन को हम अप्रोच कर सकते थे, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, ये एवरेज का क्वेश्चन है। 6 बॉयज का एवरेज 7 लड़कियों के वजन के बराबर है, तो इट इज सेइंग 6 बॉयज का जो वजन है वो 7 गर्ल्स के बराबर है और 3 आदमियों का जो वजन है वो 4 महिलाओं के बराबर है, हाँ 4 वेमेन के बराबर। इफ द एवरेज वेट ऑफ द वेमेन इज 63, हाँ तो अगर जो एक वेमेन का एवरेज वेट ऑफ वेमेन 63 केजी दे रखा है, इफ द एवरेज वेट ऑफ द वेमेन इज 63 तो व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज, बॉयज का आपको एवरेज वेट निकालना है, ठीक है। ओके सो अच्छा ये सब इक्वल इक्वल में दे रखा है, ये भी इक्वल है, मतलब 6B = 7G = 3M = 4W ऐसे दे रखा है, ये सब इक्वल इक्वल दे रखा है, ठीक है। अगर मैं आपसे इनका रेशियो पूछता हूँ, हाँ रेशियो पूछता हूँ, आप मान लेते हैं इसको K मान लेता थोड़ी देर के लिए K, यहाँ से B की वैल्यू हो जाएगी K/6, G की वैल्यू हो जाएगी K/7, M की वैल्यू हो जाएगी K/3 और W की वैल्यू हो जाएगी K/4। इतनी बात समझ में आती है। अब आपसे बोलता है कि भैया ये बता दो एवरेज वेट ऑफ द बॉयज बताना है, बॉयज का वजन कितना है, एवरेज वेट ऑफ द बॉयज, ठीक है। तो ठीक है, तो अगर हम इनका रेशियो देखते हैं बी जी एम और W, ये आ गया K/6, K/7, K/3 और K/4, तो ये बचेगा आपके पास 1/6, 1/7, 1/3 और 1/4, ठीक है। तो एक काम करते हैं इसको 126 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि जो आपके पास रेशियो है ना जो अभी डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, ठीक है न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बचेगा 21, ये बचेगा 19, ये बचेगा 42 और ये बचेगा आपके पास 4 × 3 = 12, 126 नहीं आ पाएगा, चलो कोई नहीं, जब आ गया तो 4 × 3 = 12 दैट इज 31.5, 31.5 पे बॉयज गर्ल्स मैन और W, ठीक है मैन और W। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इसकी वैल्यू दे रखी है वो 63 केजी दे रखी है, कितनी दे रखी है बॉय, महिलाओं की जो वैल्यू है 31.5 की वैल्यू जो है, जो 31.5 है इसकी वैल्यू 63 है,
मतलब 30.1.5, अगर मैं ये सबको रेशियो मान लेता हूँ, मान लो वाई मान लिया आपने वाई, तो 31.5 की वैल्यू अगर 63 है तो वाई की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो अगर वाई की वैल्यू 2 है तो आपको बोला है कि भैया बॉयज का निकालना है, तो बॉयज का है 21 वाई, तो वाई की वैल्यू 2 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये नंबर आएगा, दैट इज 21 × 2 42 kg। तो उम्मीद करो ये जो ऑप्शन है, ये जो सवाल है, आपको समझ में आया होगा। आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना नहीं है वैसे, ठीक है? तो इसका आंसर 42 आएगा, 42, ठीक है? इतनी बात क्लियर होगी। इसको करने का मेरे हिसाब से इजी तरीका है, इससे कोई दिक्कत है नहीं, बस आपको रेशो करना था। अगर आपको रेशो आता है डायरेक्टली तो आप इस सवाल को भी आराम से कर सकते थे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर जी, सवाल नंबर 7, ठीक है? अभी बड़ा प्यारा सवाल है, ये बोलता है हमसे कि घड़ी है, तो घड़ी में आपको पता होगा ये जो सुइयां होती हैं 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11, ठीक है? तो एक छोटी सुई होती है जिसको आवर वाली बोलते हैं, एक बड़ी सुई होती है जिसको मिनट वाली, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपसे बड़ा प्यारा पूछा गया है कि हाउ मेनी टाइम्स, कितने बार आवर एंड और मिनट हैंड मिलेंगे, कब? 10 बजे और 2 बजे के बीच में। मान लेते हैं अभी 10 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं? 10 बज रहे हैं, ठीक। मैं 10 बजा देता हूँ घड़ी में, 10 ऐसे बजते हैं घड़ी में, ठीक है? जैसे बजते हैं, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, अभी 10 बज रहे हैं। तो जब 10 बजने के बाद 2 बज जाएंगे, हाँ, 2 कैसे बजेंगे? तो 2 ऐसे बजेंगे, इसका हम क्लोन करते हैं और ये इधर आ जाएगा, और अब क्या करते हैं ऐसे, ये थोड़ा सा बड़ा कर दो, इसको थोड़ा छोटा कर दो। अभी आवर हो गई, ये मिनट, अब 2 बजे। तो जब 10 बजे से 2 बज जाएंगे, 10 बजे शुरू हुआ, 2 बज गए, तो कितनी बार एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, कंसाइड करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ठीक है? एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक अगर आपको पता होता तो इस क्वेश्चन का चुटकी बजा के सॉल्व करते। लॉजिक क्या होता है, जब मैंने शॉर्ट अपलोड करे थे पढ़ाया था, आपको बताया भी था कि 12 घंटे में, हाँ 12 घंटे में वो 11 बार मिलते हैं, कितनी बार मिलते हैं? 12 घंटे में 11 बार मिलते हैं, कितनी बार मिलते हैं? 11 बार, 12 घंटे में 11 बार। एक बार कौन सा रह गया, ठीक है? जब वो मिलना चाहेंगे, मान लेते हैं जो है समय बिल्कुल एकदम 12 12 बज गए, कितने बज गए? 12। तो ये भी 12 12 बजे, आवर और मिनट हैं दोनों एक दूसरे के ऊपर लेटी हुई है। तो जैसे ही घड़ी शुरू होगी 12 के बाद, तो जो मिनट वाली सुई है वो आगे निकल जाएगी, क्यों? क्योंकि वो तो तेज है, तो आगे निकल जाएगी। मान लो 2 आदमी भाग रहे हैं, तो जो फास्टर वाला है वो तो तुरंत आगे निकल जाएगा और पीछे वाला पीछे रह जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मिनट वाली क्या करेगी, वापस से इसको आके पकड़ेगी दूसरे राउंड में, कितने? दूसरे राउंड में। मतलब क्या है इस बात का कि 12 और 1, 1 और 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, और 11 से 12। तो इसको छोड़ के वो 7 बार मिलेंगे, हाँ, तो 12 और 1 के बीच में नहीं मिलते, इसलिए 12 घंटे में 11 बार मिलते हैं। अब ये बताओ 10 बजे से जब 2 बजे की तरफ आप जाओगे तो 12 बजेंगे, बिल्कुल भाई 12 बजेंगे 2 घंटे बाद। अच्छा 12 बजेंगे तो फिर 12 के बाद 1 भी बजेगा, तो 12 और 1 के बीच में वो नहीं मिलेंगे। इसका मतलब टोटल 4 घंटे है ना, 12 से 2 के बीच में 4 घंटे, सॉरी 10 से 2 के बीच में 4 घंटे, तो 4 घंटे में से वो सिर्फ 3 बार मिलेंगे, क्योंकि 12 से 1 में नहीं मिलेंगे। यही लॉजिक था, इसके अलावा कोई लॉजिक नहीं था, ज़्यादा मैथ पढ़ाने का यहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता है। ऑप्शन नंबर इसमें 1 इसका राइट आंसर है, ठीक है? तो दैट इज 3 टाइम्स, ठीक है? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं फिर नेक्स्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कैलेंडर ईयर है 2025, हाँ 2025, तो 2025 का आपको सिमेट्रिकल ईयर, आइडेंटिकल, या फिर जीरोक्स ईयर, या फिर फोटोकॉपी ईयर, जो भी आपको समझना है। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपके पास कोई भी गिवन ईयर होता है, इसको 4 से भाग लगाइए, तो 4 से भाग लगाने पर या तो रिमाइंडर 1 आएगा, या रिमाइंडर 2 आएगा, या रिमाइंडर 3 आएगा, या रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा, या रिमाइंडर 0 आएगा। तो अगर आपका रिमाइंडर आ गया 1, तो आपको ऐड करना है 6,
दो और तीन पे 11 11 है, और अगर रिमाइंडर जीरो है तो आपको 28 साल ऐड करना है। तो 1025 पर जब आप 4 से भाग लगाओगे तो रिमाइंडर आएगा 1, इतना आएगा 1, और 1 रिमाइंडर आने पे आपको ऐड करना है 6, यही आंसर था। तो इसमें यदि मैं प्लस का 6 करूंगा तो 2031 आएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी, आप थोड़ा बड़ा करके देखो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एंगल पूछा है 4:25 पे, तो घड़ी में जब 4:25 होते हैं तो कितना एंगल बनेगा। ठीक है, तो ये घड़ी बना लेते हैं और इसमें हम बजा देते हैं 4:25। हाँ, ये 12 6 3 9 4 5 7 8 10 11 1 2। ठीक है, 4:25, तो ऐसे बजते हैं 4 और ऐसे बजते हैं 25। ठीक है, तो ये आवर वाली सुई है, ये मिनट वाली थोड़ी बड़ी होती है। तो 4:25 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, उससे कर लेते तो आंसर आ जाता। तो फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल्स टू 60h - 11m/2, और ये मॉडुलस लगाना है जिससे कि एंगल आपका हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो एच का मतलब आवर है, तो कितने घंटे हैं, 4, और मिनट कितने हैं, 25, और डिवाइड बाई 2 आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 240 - 275/2, ये आएगा मॉडुलस में माइनस का 35/2, और ये आएगा मॉडुलस में माइनस का 17.5। मॉडुलस के अंदर मतलब ये पॉजिटिव आंसर आएगा 17.5, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में साफ साफ आपको लिखा हुआ। तो मुश्किल नहीं था इस बार का सीसेट का पेपर, मेरे हिसाब से पिछले साल के मुकाबले जो बच्चे रो रहे थे इस बार वो थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 और करते हैं, मतलब 11 के अलावा जो भी कोई नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन एक बार उसको देखते हैं। ओके, ये थोड़ा रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखो, तो रीजनिंग का नहीं करते, मैथ का करते हैं। मैथ का एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन है 15। तो दो आदमी हैं पी और क्यू, इन्होंने एक पार्टनरशिप में ऐसा लगाया, पी ने 14,000 रुपये ज़्यादा लगाए, मान लो पी ने एक्स रुपये लगाए, तो ये भाई साहब 14,000+ x लगाएंगे, ये इनका इन्वेस्टमेंट है। और इनका जो टाइम है, इसने 8 महीने पैसा लगाया, और इसने पैसा लगाया सिर्फ और सिर्फ 10 महीने। तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि जो इनका प्रॉफिट होगा वो डिवाइड होता है इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इनटू टाइम ऑफ ए, इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इनटू टाइम ऑफ बी। आपको जो इनका इन्वेस्टमेंट है उसको टाइम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है तो प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा, बस यही इसका कंसेप्ट है। ठीक है, अब देखो ए का इन्वेस्टमेंट कितना है, 14,000+ x, और टाइम है इसके पास 8 महीने का। बी का इन्वेस्टमेंट है एक्स इंटू 10। अच्छा, 2,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, उसमें से बोलता है कि पी को 400 रुपये ज्यादा मिले, मोर देन। तो एक बात बताओ, 2,000 रुपये है आपके पास, तो 400 रुपये इसको ज्यादा मिले, इसका मतलब क्या है कि इसको 1200 मिलेंगे, इसको 800 मिलेंगे। तो एक क्यू का शेयर आ गया, पी का शेयर आ गया, मतलब पी को 1200 मिले हैं। तो पी को अगर 1200 मिले हैं तो 1200 आप ऊपर रखोगे, इसको 800 मिले तो इसको नीचे रखेंगे, ये हो जाएगा 4 3 12 4 2 8। अब आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 28,000 भाई, कितना हो गया ये, 2 4 8 2 5 10 है ना, तो 4 4 2 8 और 14 8 112, और 3 0 चिपका देंगे प्लस, 4 2 8 x बराबर 5 3 15 x। ठीक है, तो यहाँ से जो सोल दैट इज 7x की वैल्यू जो है, मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ, यहाँ से जो 7x की वैल्यू है वो 1,12,000 है, x की वैल्यू आ जाएगी 16,000, कितनी आ जाएगी 16,000। तो आपसे किसका इन्वेस्टमेंट पूछा है, p का इन्वेस्टमेंट पूछा है, तो p ने x प्लस 14 लगाया है, मतलब 16,000 में 14,000 और ऐड करेंगे तब जाके पी का अमाउंट आएगा 30,000, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो आज हमने 5 क्वेश्चन करे, नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। वीडियो आप पूरी देखना जो सीरीज है, जिससे आपका सी सेट का जो एक तरह से आपको आंसर की भी पता चलेगी, जेन्युइन आंसर की, और आपको कंसेप्ट भी पता चलेंगे। तो मिलते हैं
नेक्स्ट शॉर्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।